कोरबा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वाधान में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के आदेशानुसार 22 फरवरी 2022 से 3 मार्च 2022 तक शासकीय पीजी कॉलेज कोरबा में युवा विधि जागरूकता के तहत यूजीसी नॉर्मस आधारित सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया। युवा विधि जागरूकता कोर्स के तहत 3 मार्च 2022 को जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा बीपी वर्मा द्वारा अध्ययनरत छात्र छात्राओं को संबोधित किया गया। जिला न्यायाधीश ने बताया कि 16 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को 50 cc बिना गियर वाली वाहन का लाइसेंस बनवाना आवश्यक है। वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर ही हल्के भारी वाहनों का लाइसेंस बनवाया जा सकता है। जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा अपराध क्या है, अपराध को स्पष्ट करते हुए बताया कि जो व्यवहार स्वयं को अच्छा उचित ना लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ करना ही अपराध है। अपराध का अर्थ स्पष्ट कर कुछ अपराधों के बारे में बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से कुछ अपराधों के संबंध में समझाया गया। अगर कोई अपराध करने के लिए किसी हथियार का प्रयोग करता है तो आईपीसी की धारा 324, अगर कोई शख्स किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है तो आईपीसी की धारा 325, अगर कोई शख्स किसी घातक हथियार से किसी को गंभीर रूप से जख्मी करता है तो आईपीसी की धारा 326, अगर किसी पर कोई जान लेने की नियत से हमला करता है तो आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडित किया जाता है। साथ ही उपस्थित विद्यार्थियों लाभार्थियों को मोटर वाहन एक्ट दंड प्रावधान और उससे जुड़े कानून के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया गया कि किसी भी वाहन चालक को 3 महत्वपूर्ण बातों वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन का इंश्योरेंस और चालक का वैध लाइसेंस के बारे में जागरूक किया गया। उपयुक्त तीनों में से किसी भी एक विलोपता की दशा में होने वाले क्षति और उक्त अपराध की सजा और जुर्माने के बारे में अवगत कराया गया। विधिक जागरूक कार्यक्रम में बताया गया कि आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी निभाने वाले वीर जवानों के कारण ही हम आज इतने स्वच्छंद हैं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता विषय में बताते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों का अर्थ प्रायः लोग समान समझ लेते हैं किंतु दोनों अलग अलग हैं। स्वच्छंदता इच्छा अनुरूप व्यवहार है अर्थात इच्छानुसार कार्य करना। अब यह इच्छानुसार कार्य करना अर्थात स्वच्छंदता सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, अतएव दोनों का अर्थ अलग अलग है। उक्त कार्यक्रम में शीतल निकुंज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, प्राचार्य आर के सक्सेना शासकीय पीजी कॉलेज कोरबा रमाकांत दुबे, विधिक सलाहकार स्वीटी ठाकुर अनुपमा पटेल, सहायक प्राध्यापक लॉ डॉक्टर दिनेश श्रीवास, डॉक्टर संजय यादव और शासकीय पीजी कॉलेज कोरबा के प्राध्यापकगण और सहायक प्राध्यापक सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV36 हिंदुस्तान कोरबा। सर, ये जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम पीजी कॉलेज में चला, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को जो है टीनेजर्स बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करने का है। कॉलेज के द्वारा अपने यूजीसी के नाम के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे जिसमें हम लोग लीगल एड की ओर से जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से हम लोगों ने भी अपना इसमें योगदान किया और हमारे मजिस्ट्रेट और हमारे जज साहब लोग आके विभिन्न विषयों पर यहाँ पे लोगों को जानकारी दी जो इनके बच्चों के भविष्य के लिए ये बेसिक फंडामेंटल जानकारी है वो जो इनके भविष्य में काम आएंगे और अपराध से दूर रहने में इसको सहायक रहेंगे। ये किन प्रमुख विषयों पे इनको जागरूक जानकारियाँ दी गई हैं? हम लोगों ने बेसिकली अभी जो रूटीन में जो क्राइम देखने को मिले हैं जैसे पॉक्सो कोड के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत और दंड संहिता के तहत जो बेसिकली जो दैनिक अपराध हमारे सामने जो देखने को आते हैं कोर्ट में, उन्हीं विषयों को हमने आधारित किया था प्रमुख रूप से। और बाकी तो लोगों को जिन विषयों पे जानकारी उनको चाहिए थी उन लोगों के संबंध में उन विषयों के बारे में भी हम लोगों ने हाईलाइट किया है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बच्चों के लिए फ्रूटफुल रहेगा और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम कॉलेज की ओर से होता रहे ताकि हम लोग लीगल एड के तहत ये कार्यक्रम में सहयोग करते रहें।
विद्यार्थी अपराधों से विमुख रहें, ये इस उद्देश्य के तहत इनको कानूनी शिक्षाएं प्रदान की गई। इसका कितना सकारात्मक असर आ गया? बिल्कुल ही सकारात्मक आता है। हम लोगों ने कई बार देखे हैं कि हम लोगों ने जनरली इस कार्यक्रम के अतिरिक्त गांव-गांव जाकर हम लोग विधिक जागरूकता शिविर करते हैं और लोगों को बताते हैं। कई बार ऐसे देखने में आया है कि विधिक जागरूकता शिविर में जो बातें बताई गई हैं उसके अनुरूप वहां की जनता आचरण करती है। FIR नहीं होने पर वो हम लोगों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं। कई बार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी संपर्क करते हैं तो हम लोग उसके माध्यम से उसको गाइडलाइन करते हैं। तो बहुत ही निश्चित रूप से सकारात्मक इसका असर होता है।